आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। केंद्र सरकार का 7 साल पूरा होने के अवसर पर कोरोना महामारी से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री सह सांसद ने सदर अस्पताल में 50 ऑक्सोमीटर उपलब्ध कराया, जिससे भाजपा जिला अध्यक्ष के अलावा अन्य वरीय सदस्यों ने जिलाधिकारी को प्रदान किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस आधुनिक मशीन से मरीजों को ज्यादा लाभ मिले। सदर अस्पताल को दिया गया सर, ये थर्ड लहर को लेकर किया गया है कि अभी सर इस्तेमाल में आ जाएगा सर? देखिए, आज भोजपुर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री शाहकिशन सिंह जी के द्वारा 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों को दिया गया है। इसके साथ ही साथ अभी अन्य और राहत सामग्री भी माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा दी जाएगी। ये सभी सामग्रियां जो हैं, लगातार हम लोग जो कोविड के संक्रमण से लड़ रहे हैं उसमें काफ़ी शेयर्स कर रहेंगे, और हम लोग सब लोग मिलकर जिस तरीके से सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो सहयोग मिल रहा है, जो जनता के माध्यम से सहयोग मिल रहा है, उससे हम लोग इस कोविड की जो वैश्विक महामारी है इससे हम लोग निकलने में आगे बढ़ेंगे। तो सर, ये 50 कंसंट्रेटर कहाँ कहाँ जाएगा सर, ये पूरे जिले भर में? देखिए, अभी इसको फिलहाल सिविल सर्जन को हम लोग देंगे और आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग किया जाएगा। सर, यास तूफान को लेकर क्या कहेंगे, जो चक्रवाती तूफान है इसके बारे में? चक्रवाती तूफान जो है आज शाम इसका मैक्सिमम पीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है रिपोर्ट्स के अनुसार। किसी भी क्षेत्र में अभी कोई दुर्घटना की जानकारी नहीं प्राप्त है और हम लोग लगातार इसमें सजग हैं और जागरूक हैं, ताकि कोई भी अगर किसी तरह की आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको तुरंत ठीक करें। सर, लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी होगी सर? जी हाँ, आज तो स्वाभाविक है, जब इतनी बारिश हो रही है तो एक दिन के लिए इसमें प्रभावित हुआ है, परंतु ये कल से फिर से चालू हो जाएगा।